Very good morning to everyone. I'm Gaurav Gupta. I come back again with a new video. This is second part of the trigonometry rules and concept. Learning without cramming. It's very easy to understand. In this, we are going to take two topics. First topic is what? Quadrant rules. Quadrant rules basically help to change the function. You can change sine function into cos function, tangent function into cotangent function, secant function into cosecant function. You can do change. As well as whenever the angle is greater than 90, 180, 270, 360, you can get also that value easily. How you can get that value? It's very easy. So please make a note. First rule is what? क्वाड्रेंट रूल. आपको पता है क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट मींस 4, क्योंकि cos क्वाड मींस 4. तो आपको पता है वी ऑलरेडी नो क्वाड्रेंट्स इन xy प्लेन की बात करते हैं तो उनमें कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स. सेम यहां पे भी कितने क्वाड्रेंट्स होंगे? 4 क्वाड्रेंट्स. दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट. अब क्वाड्रेंट स्टार्ट कहां से होते हैं? हमेशा राइट से, आपके राइट से स्टार्ट होते हैं. तो दिस इज व्हाट? This is our first quadrant. This is second quadrant. This one is third quadrant. And this one is what? Fourth quadrant. तो आपको understand हो गया होगा मेरी quadrant कौन से होते हैं. कई बार student क्या करते हैं, गलती यहाँ से करते हैं. First, second, third, fourth. But आपको पता है कि angle क्या होता है? जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो तो एंगल पॉजिटिव होता है. हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं. कैसे मूव कर रहे हैं? देखिए, यहां से मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं. डायरेक्शन कौन सी हुई? एंटी क्लॉकवाइज. दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज. जब भी क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है? पॉजिटिव. तो अब एंगल तो यहां पे मेंशन नहीं है, हमें ये पता है कि कितने क्वाड्रेंट्स हैं? 4 क्वाड्रेंट. अब इसको एंगल की टर्म्स में हम चेंज करेंगे. कैसे करेंगे? देखिए, जहां से आप स्टार्ट करते हो वो एंगल क्या होता है? 0 डिग्री. सो दिस इज व्हाट? 0 डिग्री. अब यहां से आप मूव करें तो आपको दिखाई दे रहा है ये कितने डिग्री का एंगल बन गया. दिस वन इज सिंपली 90 डिग्री. तो इसका मतलब ये 0 है तो ये कितने डिग्री का हो गया? दिस वन इज 90 डिग्री. अब फिर से ये 90 डिग्री का बन गया यहां पर भी. So 90 plus 90 is 180. So आपको कितने डिग्री का एंगल मिल गया यहाँ पे? 180. अब अगेन जब आप 90 का ऐड करोगे यहाँ पर तो 180 plus 90 कितना मिलेगा आपको? 270. फिर अगेन ऐड करिए 90 डिग्री का. So 270 plus 90 कितना हो गया? 360 डिग्री. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ. देखो, 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होता है और 360 पर वो एंड होता है. तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक सर्कल दिखाई दे रहा है. और आपको पता है सर्कल में कितने डिग्री का एंगल कवर होता है? 360 डिग्री का. सो अब आपके कितने क्वाड्रेंट्स बने? 4 क्वाड्रेंट्स. और आपको क्वाड्रेंट्स को स्पेसिफाई करना हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आता है, तो आप लिख सकते हो यहाँ से 0 और 90 के बिटवीन में. तो रूल कौन सा हो गया? 0 से 90. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जब आएगा वो आएगा 0 से 90 के बीच में. सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ 90 है, यहाँ 180. इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ तक आएगा? 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में. ऐसी थर्ड, ये 180 है, ये 270 है. तो थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक आएगा? 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में. अब फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहां 270 है, यहां 360 है. तो कितने डिग्री का क्वाड्रेंट बनेगा यहां से? 270 से लेके 360 डिग्री. तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा. तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है जिस पे हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, सो वो कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है? इट्स वेरी इजी. तो सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट. नाउ आप नोट किया होगा. अब मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे. आपको ये पता लगाना है कि जो हमारा साइन फंक्शन है जिस पे हमें साइन फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है डिफरेंट फंक्शंस की, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1. साइन 135 डिग्री. टाइम स्टार्ट. पता है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? लुक एट दिस 135 कहां आता है? 90 से बड़ा है ये और 180 से छोटा है. तो 135 कौन से क्वाड्रेंट में आता है?
सेकेंड। तो आपका आंसर कितना आया? आंसर इज सेकेंड क्वाड्रेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। आपको कैलकुलेट करना है कोस 235 ऑन विच क्वाड्रेंट। 235 मतलब 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, तो 235 कहाँ पे लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आंसर इज व्हाट? थर्ड क्वाड्रेंट। अभी चेंज करते हैं, थोड़ा थोड़ा टिपिकल लेवल पे आएंगे। अब मैं बात करता हूँ टेंजेंट फंक्शन की। टेंजेंट 310, 310 कहाँ पे लाई करता है? 270 से ग्रेटर बट 360 से कम, तो 310 कहाँ लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपका आंसर कितना आया? फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट, क्योंकि अभी मैं इसको थोड़ा सा टफ करने जा रहा हूं, सो प्लीज मेक अ नोट वेरी केयरफुली। नाउ बी रेडी। अब मैंने इसको दोबारा से पर हाईलाइट करके रख दिया। अब आपको क्वेश्चन के जवाब देने, इट्स समथिंग टिपिकल। कैसे है? अब क्वेश्चन नंबर वन, लुक एट द क्वेश्चन नंबर वन। साइन -35 डिग्री। अब बताइए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? अब कहोगे ये तो कहां आ गया? नेगेटिव आ गया। अभी तक आप क्या पॉजिटिव थे? आपका एंगल पॉजिटिव था, लेकिन अब एंगल क्या है? नेगेटिव आ गया। तो आप क्वाड्रेंट कैसे लगाओगे? क्या ये 35 जीरो से 90 के बीच में आ रहा है? नहीं, क्योंकि जीरो से 90 क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किस में लाई करेगा? दिस इज द क्वेश्चन। नहीं समझाया? अभी बताता हूँ। अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया रूल्स की। रूल क्या है कि यदि आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो जो एंगल होता है वो एंगल क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव काउंट होता है। और यदि आप क्लॉकवाइज मूव करते हो तो एंगल को क्या यूज करना पड़ता है? नेगेटिव। अब आपका एंगल क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव क्या मतलब क्या है? आपको अब एंटी क्लॉकवाइज मूव नहीं करना, आपको कैसे मूव करना है? क्लॉकवाइज। ये जब हम इसको क्लॉकवाइज मूव करें तो ये देखिए एंगल कैसे चेंज होएगा। अब मैं उसको चेंज करके दिखा रहा हूं। अब आपको मूव करना है ऐसे। सबसे पहले आप यहां से यहां जा रहे हो, अपोजिट हो गया, इसका मतलब ये क्या था? 0 डिग्री। और ये कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री। तो अब ये क्वाड्रेंट कहां से कहां बन गया? 0 से लेकर -90 डिग्री के बीच में। अब क्या आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि आप कैसे मूव कर रहे हो? क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। इसी टाइप से यदि इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम, इस क्वाड्रेंट, अब ये क्या हो गया? -90 से लेकर, मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, फिर से ड्रॉ करता हूँ। क्यों? अब मैं पहले कौन से थे? ये एंटी क्लॉकवाइज, अब मैं मूव करा रहा हूँ क्लॉकवाइज। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। तब ध्यान से देखिए, मैं क्वाड्रेंट बनाऊंगा। अब मैं मूवमेंट क्या कर रहा हूँ? क्लॉकवाइज कर रहा हूँ। तो यहां से 0 डिग्री मानता हूँ, ये 0 डिग्री है। अब जब मैं यहां से यहां मूव करूंगा, कितने डिग्री का एंगल कवर हुआ? 90। लेकिन मूवमेंट कौन सी है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है? नेगेटिव। सो इसको कह सकते हो 0 से ये, तो ये -90 डिग्री बन गया। अब माइनस में 90 और ऐड कर दीजिए, कितना बन गया? -180। -180 में -90 और ऐड कर दीजिए, -270। और ये कितना बन गया? -360। चेंज हो गए रूल। जो एंगल पॉजिटिव थे वो एंगल नेगेटिव हो गए। अब जो क्वाड्रेंट थे वो भी चेंज हो गए। अब जब हम यहां से मूव कर रहे हैं तो हम इसको क्या नाम देंगे? ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है वैसे। और याद रखिए कि क्वाड्रेंट तो उसी के अकॉर्डिंग काउंट होता है जो हम पहले यूज करते रहे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब क्वाड्रेंट को आप चेंज मत करिए, क्वाड्रेंट आपका यही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अब यहां देखिए, यहां कहां फर्स्ट जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें कितने डिग्री का एंगल आएगा?
जीरो और माइनस नाइनटी के बीच में, तो इसकी रेंज क्या हो गई, जीरो से लेकर माइनस नाइनटी के बीच में, इसकी रेंज कितनी हो गई, माइनस नाइनटी डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में नेगेटिव। सेम यहां माइनस 180 डिग्री से माइनस 270 डिग्री, ऐसे यहां पे माइनस 270 डिग्री से लेके माइनस 360 डिग्री। तो आप इसके अकॉर्डिंग पता लगाओगे कि क्वाड्रेंट कौन सा है। अब क्वेश्चन क्या था, साइन माइनस 35, तो माइनस 35 कहां आएगा, जीरो से 90 के बीच में आएगा माइनस 90, तो आंसर क्या आएगा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आंसर इज व्हाट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक क्वेश्चन और देता हूं, आपको आंसर देना, दीजिए आंसर। कोस माइनस 225 डिग्री, अब बताइए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, माइनस 225 कहां पे लाई कर रहा है, माइनस 180 और माइनस 270 के बीच में आएगा माइनस 225, तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ ये, सेकेंड। तो आपका आंसर कितना आएगा, योर आंसर इज व्हाट, सेकेंड क्वाड्रेंट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि जब भी आपका एंगल नेगेटिव होगा तो आपको कैसे मूवमेंट स्टार्ट करनी है, क्लॉकवाइज स्टार्ट करनी है, और एंगल यदि पॉजिटिव है तो कैसे मूव करना आपको, एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट तो वही रहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लेकिन जो एंगल है वो चेंज हो जाएंगे आपके, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब हम थर्ड टाइप पे जाएंगे, थर्ड टाइप में क्या है क्वाड्रेंट्स में, अभी तक जो आपका एंगल लाई करता था वो 0 से 360 के डिग्री के बीच में लाई करता था। अब सपोज करते हैं कि एंगल 360 से बड़ा है, आपको अगर सर्कल में 360 से बाहर आता हो नहीं सकता, लेकिन जब आप साइन कोस या इन सब की वेवफॉर्म को एनालाइज करते हो, आपको पता है साइन थीटा की वेवफॉर्म को एनालाइज करते हो तो साइन थीटा आपको ऐसा नजर आता है, तो ये एंड नहीं हुआ, ये क्या है, कंटिन्यूसली इसी शेप में अपने आप को रिपीट करता रहता है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, हम साइन फंक्शन की बात कर रहे हैं, साइन थीटा की। यदि मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री देता हूं तो मुझे ये वैल्यू पॉइंट मिलता है, यदि मैं 90 डिग्री की बात करता हूं तो मुझे ये पॉइंट मिलता है, दिस इज व्हाट 90 डिग्री पर पॉइंट है, ये पॉइंट है आपको 180 डिग्री पर, यदि इस पॉइंट की बात करते हैं तो ये 360 डिग्री पर होता है। अब 360 के बाद ये एंड नहीं हुई, ये अपने आपको रिपीट करता रहता है, इसका मतलब क्या है, अब 360 के बाद ये वैल्यू किसका आती थी 90 डिग्री पर, तो 360 और 90 कितना हो गया 450 डिग्री, ऐसे 450 में 90 ऐड करोगे कितना हो गया 540 डिग्री, इसका मतलब क्या है ये, तो थीटा की वैल्यू लिमिट नहीं है 0 से 360, क्योंकि 360 के बाद क्या होता है, फिर से वो एक साइकिल रिपीट हो जाती है, जैसे अब फैन है, फैन का जो ब्लेड होता है वो रोटेट करता है एक सर्कल, फिर से रोटेट करता है, तो एक रोटेशन में एक 360 डिग्री का एंगल कवर होता है, तो सेकंड रोटेशन में फिर से 360 डिग्री का, तो दो रोटेशन में कितने डिग्री का एंगल कवर हुआ, 360 प्लस 720 डिग्री का। तो इस टाइप से जो आपका क्वाड्रेंट रहेगा वो तो 1 2 3 4 इन्हीं में रहेगा, लेकिन एंगल जो है वो आपका इंक्रीज हो सकता है। आपको आई होप आपको समझ आया होगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करते हैं, अब आपको क्वाड्रेंट बताना है, और कौन सा क्वाड्रेंट बताना है, साइन 5 10 डिग्री, आपको ये बताना है कि ये साइन 5 1 10 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि क्वाड्रेंट में तो ओनली कितने डिग्री के एंगल कवर होते हैं, 360 के, इस क्वाड्रेंट में 0 से 90, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच में, थर्ड में 180 डिग्री से 270 के बीच में, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में। लेकिन ये अभी एंड थोड़ा ना हुआ, ये देखिए अभी एक सर्कल कंप्लीट हुआ, यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां, यहां से यहां कंप्लीट हो गया एक सर्कल। अब यहां पे आपका स्कोप थोड़ा ना हुआ है, अब फिर से मूव करना स्टार्ट करते हो, अब इसके बाद फिर से स्टार्ट करिए। अब मैं करना चाहता हूं, अब ये 360 हो गया, अब मैं फिर से रोटेट करता हूं, 360 कितने डिग्री का एंगल कवर हुआ, फिर 90, सोचिए कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 360 से 540
360 से लेकर 450 डिग्री क्यों हुआ। देखिए यहां तक आपका एक सर्कल में 360 डिग्री का एंगल कवर हो गया, फिर आपने फिर कितने डिग्री का एंगल कवर करा, 90 डिग्री का। सो 360 प्लस 90 कितना हो गया, 450 डिग्री। तो ये क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कौन सा एंगल आ गया, 360 से 450 डिग्री के बीच में। फिर आप यहां से फिर यहां मूव कर रहे हो, फिर से आपने 90 डिग्री का एंगल कवर करा, तो यहां कहां से रेंज स्टार्ट थी, 450 से लेकर फिर से आपने 90 ट्रेवल करा, कितने डिग्री का बन गया, 540 का। फिर से आपने 90 डिग्री का ट्रेवल करा, अब कितने डिग्री का बन गया ये, 540 से लेकर फिर 90 ऐड कर दीजिए, 630 डिग्री का। फिर से आप 90 डिग्री का मूव कर रहे हो, तो फिर से ऐड कर दीजिए 360 में, फिर से 90 ऐड कर दीजिए, कितना बन गया, 720। सो दिस इज व्हाट 360 डिग्री से 720 डिग्री। तो क्वाड्रेंट तो वही रहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब इनकी रेंज क्या होगी और एक्सटेंड हो गई। अब देखिए ध्यान से, 5110 5110 क्या आएगा, ये है 360 से 450 के बीच में नहीं आ रहा, ये है 450 से 540 के बीच में, तो 510 किस में आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है, तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, सेकंड। तो आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर हुआ सेकंड क्वाड्रेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आप इसको थोड़ा इजीएस्ट वे में कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब मैं एक एंगल और लेता हूं, सेकंड क्वेश्चन है, आपको बताना है कुछ भी ले लेते हैं, सेकंड 710 डिग्री, अरे 710 डिग्री। अब देखिए 710 डिग्री कहां आता है, यहां 360 और 720 के बीच में क्या आएगा, 710 डिग्री आएगा, यस yes? तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर इज फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप आप समझ आ रहा होगा, सो इसको प्लीज मेक अ नोट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इससे भी बड़े एंगल आ जाए तो क्या हम ऐसे रेंज को कैलकुलेट करते रहेंगे, तो ये क्या एक कॉम्प्लेक्स मेथड है, तो इसको इजी बनाने का नया मेथड हम सीखेंगे कि हम उससे भी आसान, इससे आसान वे से ये पता लगा पाए कि ये एंगल या कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ अब आपको डिस्कस करना है कि इस मेथड से आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे कि कोई सा क्वाड्रेंट एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इट्स वेरी इजी। इसके लिए आपको क्या समझना है, पीरियोडिक कंसेप्ट समझना है कि साइन कॉस टेंजेंट सारी पीरियोडिक वेवफॉर्म है, कैसे है और कैसे समझना है उसको देखिए। सबसे पहले आपको रूल याद रखने होंगे, सबसे पहला रूल है साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा, पहला रूल। अभी हम थोड़ा इसको एक्सपेंड करूंगा, फिर मैं सारे रूल एक साथ लिख दूंगा। इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा मैंने, साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पे n जो है वो एनी इंटीजर है, n क्या है आपका, मैं सिंपल इंटीजर की बात कर लेता हूं, n इज वर इंटीजर, n क्या आपका इंटीजर है, और आपको पता है इंटीजर में स्टार्ट करता हूँ, जीरो से स्टार्ट कर लेता हूँ, वैसे तो नेगेटिव में भी होता है, आप स्टार्ट कर सकते हो इंटीजर नंबर को पॉजिटिव से, मैं स्टार्ट करता हूँ, लेट n इज इक्वल टू जीरो, यदि आपकी n की वैल्यू जीरो हो तो ये रूल क्या बन जाएगा, n को जीरो पुट करिए, साइन 2 इंटू जीरो इंटू पाई प्लस थीटा, ये कितना बन गया साइन, जीरो को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट जीरो, सो जीरो प्लस थीटा इज थीटा, और दिस इज व्हाट, दिस इज राइट हैंड साइड है, इसका मतलब जब एन की वैल्यू जीरो है तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आता है। आप इस वैल्यू को थोड़ा और इंक्रीज करिए, अब मैं सपोज करता हूँ एन की वैल्यू को वन लेता हूँ, अब देखिएगा डिफरेंस क्या आता है, जब आप एन की वैल्यू को वन पुट करते हो तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहा हूँ मैं, साइन
n की यहाँ 1 रखो, पाई प्लस थीटा, दिस इज व्हाट, ये बन गया आपका साइन 2 इंटू पाई, 2 पाई प्लस थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका, साइन 2 पाई प्लस थीटा, और रूल क्या कहता है, जो भी ये वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, साइन थीटा के इक्वल होती है। तो इससे क्या पता चला कि जो आपका ये 2 पाई प्लस थीटा कोई एंगल आता है वो क्या होगा, साइन थीटा ही होगा, और पाई को क्या समझिए 180 डिग्री। तो मैं इसके फॉर्म को थोड़ा 180 डिग्री फॉर्म में चेंज करता हूं, तो ये आपको कैसे दिखाई देगा, साइन पाई मींस 180, 180 इनटू 2 360, सो आपका एंगल बन गया 360 डिग्री प्लस थीटा, किसके इक्वल बन गया, साइन थीटा के। इसका मतलब यदि आपका एंगल 360 से ज्यादा आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा, साइन थीटा ही बन जाएगा, जो भी आपका एंगल होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्टली आप इसको एक बार नोट करिए, फिर मैं इसके और एग्जांपल लूंगा जिससे आपको और बेटर वे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। अब ध्यान से देखिए, आपने ये कॉन्सेप्ट रीड करा, अब मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूँ। जैसे आपको फाइंड आउट करना था पॉइंट क्वाड्रेंट, आपको ये पता लगाना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करता है। मैं लिख देता हूँ साइन 390 डिग्री। अब आपको पता है 360 से ज्यादा हो गया। अब 360 से ज्यादा होने के बाद आपको पता है कि आप 360 प्लस करके लिखते हो तो आपको क्या मिलता है, साइन थीटा भी मिलता है। इसका मतलब मैं यदि इसको ऐसे लिखना चाहूंगा, साइन 360 प्लस 30, आप लिख सकते हो इसको, क्यों, क्योंकि 360 प्लस 30 इज व्हाट, 390। सो 360 प्लस 30 इज 390। तो आप देखिए 360 तो 360 है और यहाँ पे थीटा क्या है, 30 डिग्री। इसका मतलब जो साइन 360 प्लस 30 है ये किसके इक्वल बन गया, साइन थीटा के। यहाँ थीटा कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो आपका आंसर कितना आ गया, साइन 30। और आपको पता है 30 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आंसर क्या आएगा, आंसर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब क्वेश्चन बनता है कि ये इसी टाइप से ही चेक किया जाए, अब इससे भी बड़ा एंगल आ जाता है तो कैसे चेक किया जाए। तो उसके लिए मैं एक बार फिर बताऊंगा, फिर आपको बेसिक रूल क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज मेक अ नोट अगेन। सो नाउ आई एम टेकिंग n इज इक्वल टू 3। यदि मैं n की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू 2 लेते हैं तो इट बिकम साइन 2 इंटू 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्या है, साइन थीटा है। तो आप इसको सॉल्व करिए, साइन 2 इंटू 2 4 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, साइन थीटा। अब मैं इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में, डिग्री की फॉर्म में चेंज करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, साइन 4 इंटू 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसको फिर से रीड करिए, 4 इंटू 180 कितना हो गया, 720 प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा हो गया। तो साइन 720 प्लस थीटा इज व्हाट, साइन थीटा। अब जैसे क्वेश्चन था आपका ये, आपको क्वाड्रेंट बताना है साइन 750 डिग्री, तो आप 750 को क्या लिख सकते हो, 720 प्लस में 30 लिख सकते हो, साइन 750 इज इक्वल टू व्हाट, साइन 720 प्लस 30। आप देखिए क्या है कि यदि 720 प्लस थीटा कोई आता है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, साइन थीटा के। तो यहाँ पे थीटा था तो आपने थीटा यूज करा, यहाँ पे कितना डिग्री का है, 30 डिग्री है। तो आपका आंसर कितना आ गया, साइन 30 डिग्री। और आप 30 डिग्री आ गया तो 30 डिग्री का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। लेकिन आपका क्वेश्चन ये होता है कि सर ये तो बहुत ज्यादा टफ हो गया, अब हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ऐसे बार बार पुट करने पड़ेंगे तो पता लगेगा कि क्वाड्रेंट कौन सा होगा। नहीं, ये तो था जस्ट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कि किस लिए ये चीज ऐसे आई हुई है। आप इसका एक सिंपलेस्ट मेथड हम देखेंगे कि आप उससे डायरेक्ट निकाल सकते हो।
लेकिन बट आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर्मूला नोट करना होगा, साइन टू एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब मैं इसको थोड़ा जनरलाइज केस बनाऊंगा, अब जनरलाइज केस कैसे बनाऊंगा उसको देखिएगा ध्यान से, प्लीज मेक अ नोट। अब ध्यान से देखिए, अब मैं जनरलाइज केस के लिए चलते हैं। हमने क्या लिखा था, साइन टू एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब मैं जैसे n की वैल्यू को 1 पुट करता हूं, देखिए क्या बन जाएगा, n इज 1 तो 2 पाई, सो दिस बिकम्स 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sin थीटा। अब n की वैल्यू को मैं 2 पुट करता हूं, n इज 2 तो ये क्या बन रहा है, sin 2 into 2 4 पाई, सो दिस बिकम्स 4 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sin थीटा, क्योंकि राइट साइड चेंज नहीं होगी, राइट साइड हमेशा आपको sin थीटा ही देगी। अब n की वैल्यू पुट करिए 3, सो 3 इंटू टू 6 पाई, 6 पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या देगा, साइन थीटा देगा। अब ध्यान से, अब आपको बार बार ये वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, अब इस ध्यान से इन चीजों को देखिए क्या आ रहा है, यहां से ये 2 पाई, ये 4 पाई, ये 6 पाई इस टाइप से आ रहे हैं, और इसकी फॉर्म को हमको पता है कि पाई क्या होता है, 180 होता है, तो इसका मतलब मैं इसको थोड़ा चेंज करके लिखूं तो ये कैसे दिखाई देगा आपको, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, प्लीज मेक अ नोट, साइन 180 into 2 360, इसका मतलब फॉर्मूला बन गया 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री का बन गया, साइन थीटा। अब यहां पुट करिए 180 into 4 720, इसका मतलब फॉर्मूला बन गया 720 प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा। अब 6 से मल्टीप्लाई करिए, कितना बन गया ये 1080 प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा। तो आपने क्या नोट कर रहे हो, यहां पे 360 है, ये 720 है, ये 1080 है, और ये कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। तो इसको पाई के टर्म्स में थोड़ा अंडरस्टैंड करना टफ होता है, आप इसको किसकी टर्म्स में याद करिए, डिग्री की टर्म्स में, तो डिग्री की टर्म्स में याद करना बहुत इजी हो जाता है और कैलकुलेट करना भी आसान हो जाता है। तो आप यहां से क्या देख रहे हो, 360 है, फिर 720 है, फिर 1080 है प्लस थीटा, ऐसे करते हुए आपको क्या मिलता है, जो फंक्शन है वो वही मिलेगा और थीटा जो एंगल होगा वही एंगल आपको यहां मिल जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा और भी हम सिंपलीफाई करेंगे। अब देखिए सबसे पहले आप इसको एक बार नोट करिए, फिर मैं इस पोर्शन को रफ करके इसको सिंपलीफाई फॉर्म को और भी सिंपलीफाई करूंगा, सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। आप देखिए मैं इस फॉर्म को थोड़ा और भी चेंज कर रहा हूं, ये साइन 360 प्लस थीटा है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं एज इट इज, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा, इसको चेंज नहीं किया मैंने। आप देखिए 720 है, 720 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई 360, लिख सकता हूं इसको, तो 720 को मैं क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 360 डिग्री प्लस थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा, सेम है। अब 1080 ये किसका मल्टीपल है, 6, सो 6 इनटू 180 या 3 मल्टीप्लाई 360, 360 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा आपको, 1080 मिलेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन 3 इनटू 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा। तो इसके फॉर्म को देखिए, यहां पे क्या था 2, यहां पे 3, और यहां पे 360 है, तो मैं इसको सिंपली ये लिख सकता हूं, 1 मल्टीप्लाई 360 लिख सकता हूं इसको, बेटर में से आप दिखाई नहीं दे रहा तो आपको नोट करिए, साइन 1 मल्टीप्लाई 360 आपको 360 ही मिलेगा। अब सिंपल सा देखिए, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे फिर क्या है, कंटिन्यूअसली स्टेप मूव होता रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, इस फर्स्ट टर्म को आपको काउंट नहीं करना होता, आपकी हमेशा कौन सी आती है, ये जो टर्म रह जाती है, आपका आंसर उसी में आ जाता है, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा। लेकिन आपको ये फॉर्म देखनी है कि इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, किसी भी जिसकी आपको फाइंड आउट करनी है एंगल की वैल्यू, उसको इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री का फैक्टर। तो मल्टीपल ऑफ 360 का फैक्टर है, तो सिर्फ एंगल जो है वही आपका साइन फंक्शन के साथ आ जाता है, इट्स वेरी इजी। कैसे, आप देखिए मैं एक
फंक्शन लेता हूँ, जैसे अभी अपने कैलकुलेट करा 390 की बात करता हूँ, पहले मैं सिंपल सी बात करते हैं 390, आपको क्या कैलकुलेट करना था, 390 कैलकुलेट करना था, इट्स इजी था। 390 को आपने क्या लिख दिया, 360 प्लस में 30, और आपको पता है 360 को क्या लिख सकते हो, 1 मल्टीप्लाई 360। अब 360 का मल्टीपल फैक्टर आ गया, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, इसको तो अकाउंट नहीं करते, तो साइन का साइन और जो एंगल है, एंगल कितना है 30 डिग्री, सिंपल हो गया। अब 30 डिग्री आपको पता है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो आंसर इज व्हाट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मैं थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करूंगा, सो प्लीज मेक अ नोट अगेन। सो अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा एंगल ले रहा हूँ। अब देखिए आपको कैलकुलेट करना है साइन 750 डिग्री, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इट्स वेरी इजी। आपको पता है मल्टीपल किसका चाहिए फैक्टर, आपको 360 का, सभी जगह मल्टीपल 360 का चाहिए आपको, तो सिंपल है, इसको 360 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए मैं करता हूँ डिवाइड, 750 को जब आप 360 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 360 इंटू 2 720, रिमाइंडर कितना मिला आपको 30, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन 360 मल्टीप्लाई बाई 2 या 2 मल्टीप्लाई बाई 360 प्लस व्हाट, रिमाइंडर, रिमाइंडर इज व्हाट 30 डिग्री करके देखिए, 360 प्लस 2 कितना होगा 720, और 720 प्लस 30 कितना हो गया 750, ठीक है ना। और आपको पता है 360 का मल्टीपल है, तो आपका आंसर साइन थीटा नहीं आएगा, तो आंसर इज डायरेक्टली क्या बन गया आंसर, साइन, और एंगल कितने डिग्री का है 30 डिग्री, तो आंसर क्या बन गया आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना इजी। तो जब भी आपको कोई क्वाड्रेंट निकालना हो साइन वगैरह का, तो उसको सिंपली 360 से डिवाइड करिए और आपका क्वाड्रेंट निकल जाएगा। सो प्लीज मेक अ नोट। तो अब मैं थोड़ा और बड़ा अपनी तरफ से कोई भी एंगल ले लेता हूँ, आपको बताना है फाइंड क्वाड्रेंट, बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्वेश्चन ले लेता हूँ, साइन 2350, अपनी तरफ से नंबर लिया, कॉन्सेप्ट वही है, क्या कॉन्सेप्ट था, मल्टीपल ऑफ 360, तो डिवाइड करिए इसको 2350 डिवाइडेड बाय व्हाट 360। अब देखिए ये किस पे जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करके देखना होगा, करिए मल्टीप्लाई इसको, मैं 7 से करके देखता हूँ या 6 से करके देखता हूँ क्या आता है, 600, 6 इज 36, कैरी 3, 6 3 इज 18 एंड 210, तो ये किस पे जा रहा है 6 पे 2160, सो दिस इज 0, 15 माइनस 6 9, 2 माइनस 1 1, आपका कितने डिग्री का एंगल बचा 190, तो आप इसको कैसे लिखोगे, साइन 6 मल्टीप्लाई कितना 360 डिग्री प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर इज व्हाट 190 डिग्री। आपको पता है मल्टीपल ऑफ 6 है तो इसको काउंट नहीं करते, उन्हें एंगल काउंट करते हैं, तो आपका क्या बन गया साइन 190 डिग्री। और आपको पता है 190 कहाँ आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 डिग्री से 270 के बीच में, तो इट्स वेरी इजी, क्योंकि आपको एरिया एंगल 0 से 360 के बीच में पता है, तो आप इमीडिएटली बता सकते हो कि ये कौन सा क्वाड्रेंट लाई करेगा, तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज थर्ड क्वाड्रेंट। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो जैसे आपका साइन फंक्शन होता है, ऐसे ही कौन सा फंक्शन होता है, कॉस फंक्शन, कॉस फंक्शन है, उसको भी आप 360 से डिवाइड करिए। कोई भी फंक्शन क्यों ना आ जाए, आपका टेंजेंट, कॉस, कुछ भी आ जाए, आप कैसे करेंगे, सबसे पहले उसको 360 से डिवाइड करेंगे, और 360 से डिवाइड करने के बाद क्या करना है, आपको पता लगाना है कि रिमाइंडर क्या है। अब रिमाइंडर 360 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 से 360 के बीच में ही आएगा, और आप उसको क्या कर सकते, कैलकुलेट कर सकते। अब मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूँ, आप कोई भी फंक्शन ले लीजिए, सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ आई एम टेकिंग एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सेकंड 1830, आपको बताना है कौन सा क्वाड्रेंट में, रूल वही है कि 1830 डिग्री को किससे डिवाइड करोगे 360 से, किस पे जाएगा ये
5 पे करिए इसको, 500, 56 30, कैरी 3, 553 18, आपका कितना रिमाइंडर बचा 30 डिग्री। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, सेकेंड हाँ 5 मल्टीप्लाई 360 डिग्री प्लस में व्हाट रिमाइंडर इज 30 डिग्री। तो आपको आंसर क्या मिला, मल्टीपल ऑफ 360 आपको आंसर मिलेगा सेकेंड 30। 30 है कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई, सो प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए, अब इसमें आपको पजल होने की जरूरत नहीं, यदि एंगल नेगेटिव भी होगा तो भी इजी है। फॉर एग्जांपल आपको ये फाइंड आउट करना है कोसेकेंट माइनस 9-10 डिग्री, नेगेटिव है, नेगेटिव का तो आपको बाद में देखना होता है, सबसे पहले रूल तो वही है। क्या करना है आपको, 9-10 डिग्री को किससे डिवाइड करना है, 360 डिग्री से। किस पे जाएगा ये 360 इंटू 2, यू गेट 720 एंड 0 माइनस 0 0, 11 माइनस 2 9 एंड 1 190 डिग्री। इसका मतलब व्हाट इज दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, सबसे पहले आपको देखना है कि नेगेटिव है, आप थोड़े टाइम के लिए नेगेटिव को भूल जाइए, नेगेटिव को भूल जाइए, सब क्या रहेगा आपका ये, दिस इज 2 मल्टीप्लाई दिस इज 360 डिग्री एंड दिस इज व्हाट 190 डिग्री। अब ये भी नेगेटिव था तो इसको भी नेगेटिव लिख सकते हो, इसको भी नेगेटिव लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। अब देखिए ध्यान से, 360 का मल्टीपल है तो आपको क्या मिलेगा, कोसेकेंट ही मिलेगा, आपका एंगल क्या आ गया 190 डिग्री नेगेटिव का, ठीक है। आपको सर क्योंकि साइन भी देखने की जरूरत नहीं होती इसमें, आपको पता है ये 360 का क्या आ गया, मल्टीपल आ गया। जब आप क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो क्वाड्रेंट में तो आपको सिर्फ एंगल देखना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो 360 का मल्टीपल तो आप रिमूव कर सकते हो, रिमाइंडर कितना आया 190, और 190 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड। तो आपका आंसर कितना आएगा, आंसर इज थर्ड क्वाड्रेंट। आई होप आपको इसी समझ आई होगी, सो प्लीज मेक अ नाउ, नाउ प्लीज मेक अ लुक। तो अभी तक हमने जो 360 से डिवाइड करके आप किसी का भी क्वाड्रेंट पता लगा सकते हो, तो जरूरी नहीं है आप हर एक को 360 से डिवाइड करो, क्यों, क्योंकि सभी का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका पीरियड 360 का रिवॉल्यूशन का नहीं होता, कि ये नहीं होता कि 360 के बाद भी रिपीट होता है, कुछ क्वाड्रेंट ऐसे हैं जो वो अपने आप को 180 के बाद भी रिपीट करते हैं, तो उनके लिए क्या है, आपको जरूरी नहीं 360 से डिवाइड करो, आप उसको किससे डिवाइड कर सकते हो 180 से। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं कुछ पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, आप उसको नोट करिएगा, फिर मैं उसको एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ। सो फर्स्ट रूल इज व्हाट, याद रखिएगा इसको, साइन 2n पाई प्लस थीटा, अभी रीड किया, दिस इज व्हाट इज इक्वल टू साइन थीटा, तो मल्टीपल ऑफ 2 पाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, n मल्टीप्लाई व्हाट इज 2 पाई, और 2 पाई का मतलब क्या होता है 360 डिग्री, प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट साइन थीटा। इसको और सिंपली वे से याद रखना है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, साइन एन मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई क्या होता है 360, प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट साइन थीटा। इसका मतलब यदि आप साइन थीटा को वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो बड़े एंगल पर, तो आप उसको 360 से डिवाइड कर दीजिए और जो भी रिमाइंडर बचेगा वही आपका साइन थीटा के साथ काउंट हो जाता है, याद कर चुके। ऐसे ही सिमिलर होता है कोस का, कोस का भी सिमिलर होता है आपका, ये कोस जो होता है कोस इज आल्सो एन इनटू 360 डिग्री प्लस थीटा इज व्हाट आल्सो कोस थीटा, ये भी आपका सेम फंक्शन होता है। इसका मतलब ये कोस को अभी आप फाइंड आउट करना चाहते हो, क्योंकि अब नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तक तो हम क्या फाइंड आउट करते आ रहे थे, क्वाड्रेंट फाइंड आउट करते आ रहे थे कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फिर हमें इन पर्टिकुलर एंगल की वैल्यूज भी कैलकुलेट करनी है, तो वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देखना होता है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि ये जो पीरियड होता है मल्टीपल, इससे आपको हमेशा क्या वैल्यू मिलती है, पॉजिटिव वैल्यू, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो साइन का जो पीरियड होता है, नोट कर लीजिए यहाँ पे, इनका जो पीरियोडिक पीरियड होता है
पीरियोडिक पीरियड वो कितने डिग्री का होता है, डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, एक तो लिख सकता हूं 2 पाई, या आपको डिग्री में पता करना है तो क्या लिख सकते हो आप इसको, 360 डिग्री। कि 360 डिग्री के बाद जो साइन फंक्शन है कोस फंक्शन है अपने आप को क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जो वैल्यू आई थी वही वैल्यू दोबारा से आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे फैन का ब्लेड रोटेट करता है पूरा सर्कल लगाने के बाद फिर से वो रोटेशन स्टार्ट कर देता है, तो सेम यही 360 के बाद साइन फिर से क्या होने स्टार्ट हो जाती है, रिपीट स्टार्ट हो जाती है। एक बार दोबारा देख लीजिए, नहीं पता हो तो आपको, यहां से यहां तक कितना हुआ एंगल, 360 डिग्री का हुआ। दिस इज वे फॉर्म ऑफ साइन। अब 360 के बाद फिर से वो अपने आप को रिपीट करेगी, फिर से रिपीट कर देगी, फिर कितना पीरियड हो गया 720। इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर से रिपीट करना स्टार्ट। तो हर 360 डिग्री के बाद क्या होता है, साइन और कोस अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट करते हैं। तो इनका पीरियोडिक पीरियड कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। सो इसलिए हम इसको लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 360। जैसे देखिए ये 360 इंटू 1 है, ये 360 इंटू 2 है, तो मल्टीपल किसका है, 360 डिग्री का। तो मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री का एंगल क्या देता है आपको, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है इन केस ऑफ साइन एंड कोस। सेम होता है अनदर टू फंक्शन, कौन सा फंक्शन बच गए, इनके रेसिप्रोकल। आप रीड कर चुके हो, साइन को यदि रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो उससे नया फंक्शन बन जाता है, क्या फंक्शन था, कोसेकेंट फंक्शन। सो यू कैन राइट ऑल्सो कोसेकेंट एन मल्टीप्लाई 360 डिग्री बन जाए तो ये भी किसके पद मिलेगा आपको, कोसेकेंट थीटा ही देगा। ऐसे ही कोस फंक्शन का रेसिप्रोकल क्या था, सेकेंट फंक्शन। सो आई एम राइटिंग हियर सेकेंट, तो सेकेंट का भी मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री आपको क्या देगा, सेकेंट थीटा ही देगा। दिस इज व्हाट, सेकेंट थीटा। तो साइन कोस सेकेंट और कोसेकेंट इन सबका पीरियोडिक पीरियड कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। 360 डिग्री मतलब 2 पाई। बट जो रिमेनिंग टू फंक्शंस रह गए कौन से रह गए, एक टेंजेंट रह गया और एक टेंजेंट का रेसिप्रोकल वैल्यू व्हिच इज कोटेंजेंट कोट थीटा, वो उनका पीरियड 360 डिग्री का नहीं होता, वो अपने आप को 180 डिग्री के बाद रिपीट करते हैं। इसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे ये रिपीट करते हैं। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द टेंजेंट, यदि हम टेंजेंट की बात करते हैं तो टेंजेंट का जो पीरियडिक पीरियड होता है वो ओनली पाई का होता है, 2 पाई का नहीं होता, पाई मतलब 180 डिग्री। सो टेंजेंट एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू आपको क्या देता है, टेंजेंट थीटा देता है। यदि इस फॉर्म में याद हो जाता है एन पाई, आपको डायरेक्ट याद रख सकते हो, साइन एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एन और पाई मल्टीप्लाई में ही होते हैं। सो दिस इज व्हाट, इसको सिंपली याद रखिए, साइन एन पाई प्लस थीटा इज व्हाट, टेंजेंट थीटा। सेम कोटेंजेंट में कोट एन पाई प्लस थीटा इज व्हाट, कोट थीटा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जैसे मैं एग्जांपल अभी हमने जब क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर रहे थे तो हमने किससे डिवाइड किया था उसको, 360 से, तो रूल तो वही रहेगा, लेकिन जब आप इनकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये रूल अप्लाई करना होगा। जैसे आपको पता लगाना है कि वैल्यू, फॉर एग्जांपल जैसे ये कहते हैं हम टेंजेंट 530 डिग्री, इसको आपको देखो 530 एक बिगर एंगल है, लेकिन जब भी हम ट्रिगोनोमेट्रिक्स की वैल्यू करेंगे हम सभी को इसको चेंज कर देंगे स्मॉलेस्ट एंगल में। तो स्मॉलेस्ट एंगल में चेंज करने के लिए आपको इन्हीं का रूल का यूज करना होगा, जहां पे किसका मल्टीपल होते हैं पाई मतलब 180 डिग्री। तो जब आपका टेंजेंट एट कोट आता है तो वहां पे 2 पाई से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आपको किससे डिवाइड कर सकते हो आप, 180 से। करिए इसको, यदि हम 530 को डिवाइड करते हैं किससे, 180 से, तो किस पे जाएगा, 2 पे, 360 डिग्री। 0 एंड 13 माइनस 6 इज व्हाट, 9, व्हाट इज दिस, कितनी वैल्यू रहेगी, 7, और ये कितना हो गया 18 टू जा 360 डिग्री। अब सब्ट्रैक्ट करिए, 0 माइनस 0 0 डिग्री, अब 13 माइनस 6 इज व्हाट, 7 डिग्री, और हेयर इज व्हाट, 4 माइनस 3
सो वी गेट व्हाट 170 डिग्री. तो अब इसको कैसे लिखेंगे, टेंजेंट 2 मल्टीप्लाई 180 प्लस एंगल इज इमेजिनरी इज व्हाट 170. तो आपको ये क्या देगा, टेंजेंट थीटा देता है, तो टेंजेंट इज, और ये मल्टीपल है तो इसको काउंट नहीं करना, क्या एंगल है आपका 170. तो आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करना इजी होता है एज कम्पेयर टू किस वैल्यू को 530. तो जब आपका बड़ा एंगल होता है तो आप टेंजेंट यदि कोर्ट में है तो इसको आइडेंटिटी को यूज करके उसको स्मॉलर एंगल में चेंज कर सकते हो. तो साइन कोस सेकेंट कोसेकेंट को 360 से डिवाइड करके चेंज करिएगा, और टेंजेंट और कोट को किससे डिवाइड करना है आपको 180 से, क्योंकि टेंजेंट और कोट का पीरियड होता है 180 डिग्री का और साइन उन सबका पीरियड होता है 360 डिग्री का. आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी. इसका यूज होगा हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में, इसी का यूज करते हुए इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे हम कोई भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी. इसको नोट कर लीजिएगा कि टेंजेंट और कोट का जो पीरियड होता है इज व्हाट 180 डिग्री होता है. प्लीज मेक अ नोट, एंड इफ यू रियली लाइक माई वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर. सो वी विल मीट वेरी सून. थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टार्ट टू एंड. दिस इज द पार्ट टू, सो अगेन यू विल गेट पार्ट सी विच वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंट वैल्यूज एट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट डिफरेंट एंगल. सो थैंक यू वंस अगेन.